के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन ये उसके आगे का टॉपिक है। आगे का टॉपिक मतलब ये कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। फिर हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद पढ़ा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक्चुअली में क्या क्या है, और हम लोगों को किस किस मेथड से एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व आउट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट तरीक़ों से कैसे एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग इन चार टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चारों टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियोस में पढ़ेंगे। मतलब क्या कि जैसे हम लोग ये पार्ट वन बनाने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो आपको पार्ट वन में सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जिसकी जो मतलब कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ बाय द मतलब किस किस स्टेप से, मतलब स्टेप्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसको देखने वाले हैं इस पार्ट वन मतलब आज की वीडियो में। लेकिन हम लोग अगली की जो तीन वीडियो आने वाली एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, उस पर भी जिक्र करेंगे कि हम लोग उन तीन वीडियोज़ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स। हम इसके स्टेप्स देखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ कैसे फाइंड करते हैं, और हम आपको वह बताएंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे यूज़ करके इसको सॉल्व आउट करते हैं विथ हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स। फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये अलग है, ये कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स है और ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है। फिर हम लोग बात करेंगे पार्ट थ्री में, ये हो गया पार्ट टू, और हम लोग पार्ट थ्री में बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पार्ट थ्री पर बात करेंगे उसकी, है ना। तो फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी बात करेंगे हम पार्ट फोर में। मतलब क्या कि हम चारों के लिए सेपरेटली वीडियोस बनाने वाले हैं, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये चारों टॉपिक। तो हमारा जो तरीका रहेगा इस चैप्टर के ऊपर काम करने का, वो रहेगा इसका, मतलब पहली वीडियो ये जो आज बना रहे हैं हम लोग, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और इसी को बोलते हैं, मतलब जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, सेकेंड वन इज़ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, और थर्ड वन इज़ साइमल्टेनियसली इक्वेशन रहेंगे दो, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक पर, के चैप्टर पर। ये ख़त्म होने पर हम लोग लास्ट टॉपिक में आ जाएंगे जो है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की बात हम लोग इस वीडियो पर करेंगे, मतलब पार्ट फोर्थ में, कि हम लोग फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को समझ गया है कि हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे पढ़ने वाले हैं, और कब कब और किन किन पार्टों में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा यही मोटो है कि हम जैसे आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप भी हमको अपना सहयोग दें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स में। ओके, तो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स का जो प्रोसीजर है उसको देखने से पहले हम लोग एक कॉमन प्रोसीजर देख लेंगे जिससे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम ऑफ बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड वी अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब हम लोग कुछ प्रोसीजर बना लिए हम लोगों ने
एक तो आप इस प्रोसीजर को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके और हमारे समझने के लिए है कि हम लोग किन प्रोसीजर से उस ऑर्डिनरी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग याद कर लो, है ना, आपको याद नहीं करना है, आप लोगों को समझना है। और जब हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स इक्वेशन को कैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि हम इन फॉलोइंग प्रोसीजर का यूज़ करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसीजर होंगी वो क्या होंगी कि हम टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स इक्वेशंस को हम दोनों साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिफरेंशियल्स इक्वेशन एंड यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म टेक बोथ द साइड्स, और हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस की। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई गिवन इनिशियल कंडीशन, जो प्रॉब्लम में कंडीशंस दी हुई रहेंगी उन कंडीशंस को यूज़ करेंगे हम लोग। फिर देन हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एस, वेयर वाई ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलास ऑफ वाई ऑफ टी। मतलब क्या, हम कुछ उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, टेक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स टू द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्टेन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई ऑफ टी। तो हम लोगों को मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो इन प्रोसीजर्स को यूज़ करके हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो चाहे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन हो, चाहे साइमेट्रिक लेयर का क्वेश्चन हो, या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, हम लोग इन फॉलोइंग प्रोसीजर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोसीजर्स। हाँ, तो इस प्रकार का क्वेश्चंस होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। तो ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू cos 2t, है ना, विद द गिवन कंडीशन दी हुई है कि y ऑफ ज़ीरो अगर हमको कहीं दिखता है तो हमको 1 पुट करना है उसके जगह, और अगर हम लोगों को y डैश 0 दिखता है तो हमको वहाँ पुट करना है 2। तो हम लोग सबसे पहली प्रोसीजर यूज़ करेंगे टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत प्यार से लिखेंगे, मतलब आपको समझ जाए अच्छे तरीके से, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को 1 दे देंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों या बड़ो जो भी हो। तो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लैपलास ऑफ वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू बोथ साइड, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये हो जाएगा लैपलास ऑफ कॉस 2t, है ना, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि अगर कोई दो प्रोडक्ट साथ में रहता है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं सॉरी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये बोलती है कि अगर कोई दो फंक्शन साथ में रहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम उन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो बस हम लोग करेंगे इसको लैपलास ऑफ वाई डबल डैश प्लस y, लैपलास ऑफ y इज इक्वल टू लैपलास ऑफ cos 2t, है ना, बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में अगर लैपलास ऑफ डबल डैश दिखता था तो हम लोगों को याद है फॉर्मूला, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लो, ये बहुत काम आता है आगे। तो ये होता है एस स्क्वायर वाई डैश माइनस एस ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो प्लस वाई एस इट इज़ इज इक्वल टू लैपलास ऑफ कॉस टी होता था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना, तो ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4।
अब विद हम लोग की जो प्रोसीजर नंबर 2 थी वो क्या बोल रही थी कि इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है, तो यही है हमारी इनिशियल कंडीशन है ना, तो इनिशियल कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे। तो एस स्क्वायर प्लस वाई डैश तो हमको कुछ नहीं पता है ना, माइनस एस ऑफ वाई ज़ीरो, हाँ हमको वाई ऑफ ज़ीरो पता है, वाई ऑफ ज़ीरो क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा एस इंटू 1 माइनस है ना। हमको वाई डैश ऑफ ज़ीरो भी पता है, क्या है वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज़ 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है ना। यहाँ तक समझ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हो गया एस स्क्वायर वाई डैश वाई बार माइनस एस ऑफ 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 प्लस वाई बार इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है ना। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई, इस प्लस को हम इसके साथ लिख देते हैं और इस पूरे टर्म को हम इस साइड ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है ना। वहाँ पर क्या बोला था कि हमको रीअरेंज करना है, अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम वही कर रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस माइनस 2 है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ये वाई डैश को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश वाई बार इज कॉमन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस माइनस 2 है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ गया है ना। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो इस वाई को अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो ये जो टर्म है वो हो जाएगा एस अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा है ना स्टूडेंट्स, और ये बच गया एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो हम लोगों ने क्या बोले थे, अप्लाई करेंगे विद द गिवन कंडीशन, तो लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई डैश मान लिया हम लोगों ने है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास मौजूद है, तो लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई डैश, ये हमारे पास पूरा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इन्वर्स करना है हम ना, फोर्थ स्टेप में आ गए अभी हम लोग, तो हम लोगों को इन्वर्स करना है। तो अगर हम लोग इस वाई को इधर ले ले तो ये इधर जाके हो जाएगा लैपलास इन्वर्स, और लैपलास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 4 है ना। प्लस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो। तो ये हो गया लैपलास है ना, सेपरेट कर रहे हैं हम लोग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैपलास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये पूरा टर्म मिल गया है, तो हम लोग लैपलास इन्वर्स को किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे बाय द यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हम लोगों ने 8th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा है, फिर 10th में, फिर 12th में, तो अभी तक आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग यहाँ पर अप्लीकेशंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, और हम लोगों ने प्लेलिस्ट में इस वीडियो सेपरेटली पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर वीडियो भी बना चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे नाउ बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करते थे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो टर्म है ना, दो टर्म है, तो हम लोग लिखते थे ए एस प्लस बी और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी, दो टर्म है करके हम एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस प्लस बी
है ना, ए एस प्लस बी इंटू है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस इसका इससे है ना, तो ये हो जाएगा सी एस प्लस डी और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ना, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस फोर, सॉरी ये हो गया एस स्क्वायर प्लस वन है ना। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, तो ये हमारा आ गया s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा a के साथ a, तो ये हो जाएगा ए एस क्यूब प्लस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर है ना, प्लस b प्लस सी एस क्यूब प्लस फोर एस हो गया ये है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये हो जाएगा ज़ीरो एस प्लस ज़ीरो एस स्क्वायर प्लस ज़ीरो एस इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए प्लस सी एस क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट्स को है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स है ना, इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स को ठीक है। ए प्लस सी इज इक्वल टू, देखो ए प्लस सी तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया और हमको सी है ना, तो ये हो जाएगा ए और सी मतलब फोर सी हो जाएगा है ना, ये देखो फोर सी है ना, तो ये हो गया फोर सी इज इक्वल टू वन और बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देन हो गया ये बी प्लस फोर डी इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ओके है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि ये माइनस थ्री सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री है ना, और अगर सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री है तो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये ए इज इक्वल टू बी माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और डी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। हम लोग को ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर है ना, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री एस प्लस ज़ीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर और ये बी की वैल्यू मतलब हाँ ए की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएंगी वन बाय थ्री एस प्लस ज़ीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेप्लास वाई इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई थ्री एस और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन बाई थ्री एस एस स्क्वायर प्लस वन और जो बच गया वो हो गया लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस टू लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये टर्म हो गई y इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री बाहर आ गया बेटा और ये लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन है ना s स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे है ना, तो अगला पेज लेंगे तो एक मिनट हाँ तो ओके, तो ये कितना बच गया इसके बाद का, ये हो गया लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बच गया और माइनस टू लेप्लास इनवर्स ऑफ ये हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है ना। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू है ना, क्या बच गया माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, देखो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस टू टी है ना, तो ये हो जाएगा कॉस टू टी प्लस है ना प्लस प्लस वन बाई थ्री एस इट इज वन बाई थ्री एस इट इज कॉस टी है ना, देखो ये हो जाएगा कहाँ है हाँ या तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इज नथिंग बट कॉस टी प्लस प्लस ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इज ऑल्सो कॉस टी है ना, कॉस टी माइनस माइनस टू
और ये हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन नॉट एस, एस अपॉन, तो वन अपॉन इज ये हो गया साइन टी, है ना। ये इतना भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री कॉस टू टी प्लस, है ना, प्लस हम लोग क्या करेंगे, देखो टू टू ज़ा फोर, तो ये हो जाएगा फोर ऊपर, है ना, ओके ओके फोर, तो ये हो जाएगा कॉस टी सिर्फ, है ना, तो फोर फोर बाय थ्री कॉस टी माइनस टू साइन टी, तो वाई इज इक्वल टू हो गया, वाई इज इक्वल टू हो गया ये वन बाय थ्री माइनस को हम लोग उधर ले जा लेंगे, तो ये फोर कॉस टी माइनस सिक्स सिक्स साइन टी माइनस कॉस टू टी, कॉस टू टी, ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर बाय थ्री कॉस टी माइनस सिक्स सिक्स साइन टी माइनस कॉस टू टी। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, कि हम लोग सही सॉल्व किए हैं या नहीं, तो यस फोर बाय थ्री कॉस टी माइनस टू साइन टी, ओके टू थ्री ज़ा सिक्स कॉस टी, हाँ एकदम सही सॉल्व किया हम लोग, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये हो जाएगा फोर बाय थ्री, है ना, ये कॉस टी माइनस टू साइन टी है, थ्री थ्री टू ज़ा टू थ्री ज़ा सिक्स, तो टू साइन टी, है ना, सबसे टू कॉमन निकल जाएगा, तो टू साइन टी माइनस वन बाय थ्री कॉस टू टी, दिट्स ऑल्सो राइट आंसर, हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दिट्स कॉल्ड इज फाइनल आंसर, है ना, फाइनल आंसर या ये भी, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं वो वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग अगली वीडियो पर, अगली वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के ऊपर पार्ट टू में, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इच्छा रहती है पूरी कि आप लोग अच्छे से समझे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो जब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होंगी, जब तक के लिए गुड बाय।